हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ संडे से। इवनिंग के शाम के बज रहे हैं 7:45 8:00, और अभी मैं बना रही हूँ पकौड़े। शो रही है मेरे हस्बैंड की डिपेंडिंग करेंगे, सिर्फ पकौड़े ही खाएंगे क्योंकि शाम के जो है 7:45 हो चुके हैं। तो अगर डिनर करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसीलिए अभी हम पकौड़े बना रहे हैं गोभी और आलू प्याज के। तो गोभी के पकौड़े यहाँ पे बन गए हैं और ऊपर से मैं इनके डाल दूँगी कैच का ये चाट मसाला, इससे ये बहुत टेस्टी बन जाते हैं। तो गोभी के जो पकौड़े होते हैं वो तो वैसे ही बहुत टेस्टी बनते हैं, और गोभी से बनी हर चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आती है, इससे जो डिश बनती है। और अभी मैं इसको ले आती हूँ मेरे हस्बैंड को। गुड मॉर्निंग, और आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं हॉस्पिटल, और आज हमारा होगा कोविड का टेस्ट, और मेरा और मेरे हस्बैंड का। तो अभी सुबह के 7:15 हो रही है और बादल काफ़ी हो गए हैं, और हमने जाना है बाइक पे, तो देखते हैं अभी कैसे होता है। हो गया है और रैपिड टेस्ट, अभी हम जा रहे हैं घर, और हमने करवाया है पिम्स हॉस्पिटल में। तो हम दोनों का और जो टेस्ट है वो होना था, तो अभी हम जा रहे हैं घर। तो मौसम बहुत अच्छा है सुबह सुबह का। रात के बज रहे हैं 10, और हमने अभी अभी अपना जो डिनर है वो किया है। तो अभी मैं बर्तन धोने वाले हैं और थोड़ी सी किचन भी क्लीन करने वाली है। तो मैं काफ़ी देर से आज काम पे लगी हुई हूँ कि यार वो करवाया था सुबह, जो मैंने आपसे वीडियो में शेयर किया हुआ है, और उसकी रिपोर्ट आनी थी आज शाम को ही 6 बजे। तो रिपोर्ट आ गई थी, हम दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो दरअसल ये वे टेस्ट होते हैं अगर हमें कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना होता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं दुबई, हमारा 5 डेज़ का ट्रिप है, और हम 1 साल से ये प्लान कर रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से हमें काफ़ी दिक्कत हुई और काफ़ी कॉस्टली भी पड़ा, लेकिन हमें इसी टाइम में जाना था, तो इसीलिए अब हम कल जा रहे हैं और कल हमारी फ़्लाइट है। तो टेस्ट दोनों के नेगेटिव आए हैं, तो लेकिन वहाँ पर एयरपोर्ट में एक और टेस्ट होगा, तो वहाँ पर भी दोनों टेस्ट नेगेटिव आने चाहिए, तभी हम दोनों आगे जा पाएंगे। तो अभी हमने डिनर कर लिया है और 10:15 हो चुके हैं, और मैंने पैकिंग कल कर ली थी, थोड़ी सी रहती है बाकी, ऑलमोस्ट कर ली थी, हस्बैंड ने अभी करनी है। तो हस्बैंड का तो थोड़ा ही सामान होता है वो, और वो खुद ही करते हैं पैकिंग, और बस सुबह अभी हमें जल्दी से उठना पड़ेगा। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, तो और बताना चाहती थी कि हम दुबई जा रहे हैं 5 डेज़ के लिए, और वहाँ पर जैसा भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बाय मेरे जो ब्लॉग है उसके थ्रू, और कैसा रहेगा वो भी मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी, और अगर वहाँ पे हम आगे जा पाए तो। और मैं कभी बाय एयर कहीं नहीं गई हूँ, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं, मैंने कभी एयरपोर्ट भी नहीं देखा है रियल में, और कैसा रहेगा एक्सपीरियंस वो मैं अपने कैमरे में यहाँ पे कैद करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने इनको जो है व्लॉग्स को बनाना शुरू किया है। और जब हम कश्मीर गए थे तब भी हमने वहाँ पर काफ़ी शूट किया था, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो अभी ये वाली जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी हम थोड़ा बिजी हैं,
आज पूरा डे हमारा ऐसे बिजी बिजी निकला और काफ़ी सारे काम के लिए। इतना ही, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।